पूरी दुनिया के लगभग हर देश में भारत का हिंदू बसता है, लेकिन सिर्फ भारत और नेपाल ही ऐसे देश है जहां हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम देशों में भी हिंदुओं की खासी तादाद मौजूद है। ऐसे में बहुत कम देखने को मिलता है कि इन देशों में हिंदुओं की प्रसिद्ध मंदिर भी हों। चलिए आज जानते हैं उन मंदिरों के बारे में जो मुस्लिम देशों में बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो एक मुस्लिम देश है और जहां ना के बराबर हिंदू रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यहां भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर का सबूत महाभारत में भी मिलता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर की एक खास मान्यता है और इसे बहुत पवित्र धाम माना जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल में कटा सराज मंदिर 7वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर में राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर इतना पुराना है कि इसको पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर ले लिया और वहीं इसकी देखरेख भी करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का हिंगलाज मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। माता का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। ये पाकिस्तान की तटीय प्रांत बलूचिस्तान के लसबीला कस्बे में मौजूद है और कहा जाता है कि हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। यहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, साथ ही आतंकी और डाकुओं का भी डर रहता है। अफगानिस्तान में भले ही अब तालिबान का राज है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ सिर्फ हिंदू बसा करते थे। लेकिन मुगलों के शासन के बाद से धीरे धीरे वहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी रहने लगी। लेकिन आज के समय में अफगान के कुछ ही शहर हैं जहाँ इक्का दुक्का हिंदू रहते हैं, लेकिन आज भी इस देश में कुछ मंदिर बचे हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आसा पहाड़ी है, जिस पर आज भी माँ दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो एक शक्ति पीठ है। आसा माई के मंदिर में माँ शक्ति के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी है। संयुक्त अरब अमीरात UAE अकेला ऐसा देश है जहां 30% इंडियंस रहते हैं। यहां लगभग हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि UAE एक मुस्लिम देश है। फिर भी यहां शिव मंदिर स्थित है जो दुबई में है। दुबई के इस मंदिर का नाम शिव और कृष्ण मंदिर है। ये मंदिर अल रिगा स्ट्रीट से कुछ दूरी पर बना हुआ है। दुबई के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस मंदिर में रोज पूजा करने आते हैं। वहीं जल्द ही अबू धाबी में भी एक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बहरीन में एक बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहां 200 साल पुराना हिंदू मंदिर है। बहरीन के मनामा में स्थित इस मंदिर को श्री नाथ जी के मंदिर के तौर पर जाना जाता है। ये कृष्ण मंदिर गल्फ कंट्री में सबसे पुराना मंदिर है। सन 1817 में थटाई समाज ने इस मंदिर को बनाया था और माना जाता है कि ये समाज सिंध से हुआ करता था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इस मंदिर को श्री नाथ जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं जल्द ही BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मलेशिया एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म को सेलिब्रेट करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा तमिल समुदाय के लोग रहते हैं और इस देश में बहुत सारे हिंदू मंदिर है। यहाँ के गोमबाक में बातु गुफाएं हैं, जिसमें कई मंदिर है। ये जगह राजधानी कुआलालंपुर से 13 किलोमीटर दूर है। इस गुफा में शिव और पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय का मंदिर है, जिन्हें मुरुगन कहते हैं। यहाँ भगवान मुरुगन की एक बड़ी मूर्ति भी है। इस मंदिर को बाटू गुफा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे साउथ इंडिया के किसी मंदिर में कदम रख दिया हो। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 272 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। चूना पत्थर की गुफा करीब 100 मीटर ऊंची है।